يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं फिर से आज हूँ आप लोग के खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का एक क्लीनिंग व्लॉग है जिसमें मैं पूरे दिन सफाई करूँगी, और नवंबर के महीने में कुछ खास काम है जो हमें कर लेने चाहिए जिससे सर्दियों में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, बहुत ही कम ही धूप निकलती है कभी कभार, और उसमें कपड़े सूखने की भी दिक्कत होती है, या फिर कोई मैट है, डोरमेट है, या फिर कालीन है, कारपेट, वो सारी चीज़ें अब धोएंगे तो फिर सूखने में बहुत टाइम लगता है, और जिनके यहाँ छत नहीं है तो वो तो सूखता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए नवंबर के महीने में हम लोग इस तरह के काम कर लेंगे तो आसानी रहेगी सर्दियों में। और ये नाश्ता है मेरे हस्बैंड का, मैं बना रही थी तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने इसी से किया है। नाश्ता बनाया मैंने अपने हस्बैंड के लिए, ये अंडे हैं, ब्रेड है और चाय है। और मैंने देख लिया कि आजकल तो पॉल्यूशन फैला हुआ है ना इंडिया में, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा है, तो मैं धूप भी नहीं निकल रहा था तो तीन दिनों से, तो आज धूप निकला था तो ये देखिए धूप निकला हुआ। फिर मैंने सोचा कि जो जो काम है धुलाई वगैरह सफाई वाले वो सब मैं कर लेती हूँ, जो भी चीज़ें हैं धुलने की वो सूख जाएंगी पॉल्यूशन की वजह से। तो आजकल स्कूल भी बंद है, मेरे बच्चों के भी स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है, तो बच्चों की भी मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ कि वो लोग घर में फ्री बैठे हैं तो मेरी कुछ मदद ही कर दें, घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और बच्चे लोग को भी का भी हाथ पैर चलेगा, और वो लोग भी कुछ सीखेंगे, सफाई करना सीखेंगे अपने आगे की ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पर फ़ैन को साफ कर रहा है मेरा बड़ा बेटा, क्योंकि अब तो इतने दिनों से तो पंखा चल ही रहा था, थोड़ा बहुत गर्मी है ये फ्लैटों में, तो गर्मी लगती ही रहती है नवंबर में भी, लेकिन वो जो खुला एरिया है जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जो खुला एरिया है वहाँ पे सर्दियाँ आ गई होंगी, वहाँ पर फ़ैन नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक फ़ैन चल ही रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि फ़ैन को भी साफ़ कर देते हैं ताकि सर्दियाँ पूरी सर्दियाँ इस पर धूल और गंदगी नहीं आएगी, जब फ़ैन चलता है तभी वो खींचता है अपनी तरफ धूल और गंदगी वगैरह, अब ये जब चलेगा नहीं पूरी सर्दियाँ तो ज्यों का त्यों साफ ही रहेगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, नवंबर में ही फ़ैन को भी साफ़ कर लिया करें, तो साथ का साथ ये जाले वगैरह जो हैं घर में वो भी साफ़ कर रहा था मेरा बेटा बड़ा वाला, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए सीलन था, पपड़ी था, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये जो मॉप है साफ़ करने वाला ये टूट गया है तो इसको मैं बांध बांध के ही काम चला रही हूँ। काफ़ी कोशिश किया मैंने कि ले लूँ, बाहर तो जाने से कि मैं लेने आज सफाई के लिए, तो ऑनलाइन भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन मिला नहीं इस तरह का, और जो अवेलेबल था वो नहीं ले पाए हम लोग। तो ये बाथरूम है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बाथरूम के अंदर दाखिल होने की दुआ जो है वो मैंने लगाई हुई है ताकि बच्चे लोग भूले नहीं, या कोई भी भूले नहीं, भूले भी तो इस पे नज़र पड़े और पढ़ ले, जिसको याद नहीं है तो वो भी पढ़ के अंदर जाए, दुआ पढ़ के जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धूल को साफ़ कर लूँगी इस ब्रश से, उसके बाद मैं इस पर वॉलपेपर लगाऊँगी, वो भी आगे ब्लॉग में देखेंगे आप लोग, अभी दिन के टाइम पूरा सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं वॉलपेपर भी लगाऊंगी और जो जो चीज़ लगाऊंगी उसके बाद दिखाऊंगी। तो सिंक के पास था ये पपड़ी पड़ गया तो ये सबको मैंने हटाया, और यहाँ सिंक के पास से साफ़ करती हूँ, ये नीचे देखिए कितनी सारी पपड़ियाँ पड़ गई थी दीवार में। यहाँ पे झाड़ू लगा रही है मेरी बेटी, मैं बच्चों की हेल्प ले रही हूँ आज सफाई में, तो घर की डीप क्लीनिंग भी हो रही है आज साथ का साथ। और बाथरूम में दुआ जो है वो पढ़ के जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना दुआ पढ़े हम लोग जाएंगे तो हमारे नज़रों से तो पर्दा है लेकिन शैतान है और वो जिन वगैरह हैं वो हमें
देखते रहते हैं इस तरह की हालत में, इसलिए धोआ पर के जाना ज़रूरी है, सर ढक के भी जाना ज़रूरी है। तो आज मैं ये डोरमेट से भी धो लेती हूँ, ताकि धो लूँगी तो सूख जाएगा, धूप है आज, और फिर पूरी सर्दी अगर धोएंगे तो पता नहीं कितना दिन, 4-5 दिन लग जाएगा इसको सूखने में, इसलिए नवंबर के महीने में ही सारे डोरमेट या फिर कालीन है आपके पास, कारपेट है, सब कुछ धो लिया करें और सुखा लिया करें, ताकि पूरी सर्दियां जो दिसंबर और जनवरी का और फरवरी का जो महीना 3 महीने उसमें धोने वोने की और सुखाने की ज़रूरत न पड़े। मार्च में तो धूप निकलने ही लगता है, तो सारे डोरमेट को पहले मैं पानी में भिगो दूँगी, ताकि इसमें जितना धूल मिट्टी सब है वो पानी में निकल जाए, सर्फ डाल के बाल्टी में पानी भर के सर्फ डाल के उसको भिगो लेना है, उसके बाद इसको मैं वॉशिंग मशीन में धोऊंगी, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे वॉशिंग मशीन में तो मशीन ख़राब भी हो सकता है, सारी धूल मिट्टी सब गंदगी सब अंदर जमा हो जाएगा और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए पहले इसको बाल्टी में ही भिगो लिया करें, ताकि जितना भी धूल मिट्टी है वो सब बाल्टी में निकल जाए, फिर बाकी डोरमेट को उठा के मशीन में डाल दिया करें, और पानी को जो बाल्टी वाला पानी है उसको फेंक दिया करें। तो डोरमेट को धोने का ये तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि डोरमेट में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, सबके पैरों से लग के आ जाती है, तो सर्दियों में इस तरह की दिक्कत होती है। जिनके पास छत नहीं हो ना उनको बहुत दिक्कत होती है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरे पास छत नहीं है और बालकनी भी नहीं है, तो इसलिए सुखाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। अभी नवंबर के महीने में ये सारे काम मैं कर लूँगी, ताकि पूरी सर्दियाँ 3 महीना जो है दिसंबर जनवरी और फरवरी का उसमें ये सब धोने वोने का सुखाने उखाने का काम ना ही रहे, क्योंकि कपड़े सब भी तो इतने सारे हो जाते हैं सर्दियों में धुलने वाले और सूखने वाले, और इतने मोटे मोटे कपड़े जो काफ़ी प्रॉब्लम होती है सूखने में भी। तो मैंने यहाँ पे भिगो दिया है, और ये देखिए ये जो धूल साफ़ करने वाला है इतना गंदा हो गया, ये देखिए पूरे घर का धूल साफ़ किया है इसने, मैंने इसको बांध के काम चलाया आज इसको, तो इसको भी मैं उसी में बाल्टी में डाल देती हूँ, साथ का साथ ये भी धुल जाएगा और साफ़ हो जाएगा, सब मशीन में डाल दूंगी मैं। इसके बाद मेरे पास कारपेट है जो ऊपर रखा हुआ है, वो मुझसे खुद से नहीं उतर रहा, मेरे हस्बैंड उतार के देंगे ना, तो ये डोरमेट धोने के बाद मैं वॉशिंग मशीन में वो कारपेट सब भी, कालीन जो होता है सिंगल बेड का, बेड पे नहीं बिछाते हम लोग, नीचे बिछाते हैं, तो वो धो के फिर वॉशिंग मशीन को इस तरह की चीज़ें धो के ना वॉशिंग मशीन को खाली चला लिया करें, ताकि जो भी धूल मिट्टी सब उसमें जमी है, ज़्यादा धूल मिट्टी होता है और गंदा होता है ना सब चीज़, तो सारी गंदगी निकल जाए, उसके बाद कपड़े धोया करें। अभी मैं ये डोरमेट वगैरह और कालीन वगैरह धो के एक बार वॉशिंग मशीन को खाली चला लूँगी, थोड़ा सा सर्फ डाल के, उसके बाद कपड़े धोना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे जो गर्म कपड़े मैंने रखे हुए हैं बच्चों लोग के हमारे ऊपर और जहाँ जहाँ वो सब मैं रखने लगी हूँ, आज ही मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो गर्मियों के जो कपड़े हैं वो सब मैं रख दूंगी, वो बैग सब जो मैंने बनाया हुआ है अलग अलग सबका, सर्दियों के कपड़े का इस तरह का बैग मैंने सबके लिए बनाया हुआ है, सबके लिए एक एक, तो एक बैग मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखा देती हूँ। इस जो ये दोनों बास्केट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसमें है गर्मियों के कपड़े, टी शर्ट वगैरह और पजामे वगैरह है, शॉर्ट्स वगैरह, तो सबको मैं इस वाले बैग में रख दूँगी, और इस बैग में जो गर्म कपड़े हैं स्वेटर इनर जैकेट वगैरह सब कुछ वो उस वाले बास्केट में रख के अलमारी में रख दूंगी, और गर्मियों के जो कपड़े हैं टी शर्ट वगैरह वो इस वाले बैग में रख के वापस से ऊपर रख दूंगी। तो जिसके पास कम स्पेस है, अलमारी कम है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिस तरह से मैं कर लेती हूँ, ताकि दिक्कत नहीं हो आराम से। जब गर्मियों का मार्च का मौसम आएगा तो फिर इसको इस तरह से एक्सचेंज करेंगे, गर्मियों का वापस अलमारी में रखेंगे और सर्दियों का वापस इस बैग में रख के ऊपर रख देंगे अलमारी के ऊपर वाले पोर्शन में, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है खुलने की, क्योंकि ऊपर कुर्सी वगैरह पे चढ़ के खोलना होता है, जिस तरह से अभी मैंने खोला है आपने देखा होगा। तो ये देखिए टी शर्ट सब है मेरे बेटे की, हाफ सीट टी शर्ट वगैरह वो सब मैं इसमें गर्मियों के कपड़े रख दूँगी, बाकी फुल टी शर्ट जो है उसको बाहर ही रहने दूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो फुल टी शर्ट ही पहनते, तो ये फुल है तो इसको मैं रख लूँगी उधर ही, बाकी सारे हाफ और शॉर्ट्स सब जो हैं वो सब इसमें डाल के रख दूँगी,
सबका मैंने अलग अलग बैग इस तरह से बनाया हुआ है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने ही बनवाया है अपनी फैक्ट्री में। तो साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सबको क्लीनिंग मोटिवेशन मिले और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, सफाई का तरीका और घर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका और बच्चों से किस तरह से हम लोग हेल्प ले सकते हैं जिससे उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये देखिए इनर वगैरह हैं, सारे इनर सब मैं इस वाले बास्केट में रख दूँगी। सबका अलग अलग इस तरह से करके रखना होता है, काफ़ी मेहनत वाला काम है हाउसवाइफ को और माँ को, हाउसवाइफ नहीं भी है तो माँ को तो बहुत ही मतलब सबके बारे में सोचना होता है। और ये स्विमिंग का है मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटों का है, गर्मियों में जाते हैं हम लोग कभी कभी घूमने तो स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं, तो सबका इस तरह से टी शर्ट और शॉर्ट्स है, होजरी के कपड़े में होता है क्योंकि स्विमिंग पूल में दूसरे कपड़े में जाने नहीं देते ना। तो ये मैं थैली में रख के अभी इसी में रख दूँगी गर्मियों के कपड़े के साथ ऊपर, क्योंकि अब ठंडियों में तो कहीं इस तरह की जगह पर जाना नहीं होगा। और ये है बच्चों के मास्क वगैरह हैं, ये वाला मास्क है जो कान के साथ लगा होता है गर्मियों में, जब सर गर्म रहता है कान सर्दियों के लिए होता है, और ग्लव्स वगैरह हैं इसमें। तीनों बच्चे के हैं, अभी छोटे वाले बाबू का नहीं लिया मैंने इस तरह का क्योंकि वो तो पहनता भी नहीं है, अभी वो पहनेगा भी नहीं, निकाल के फेंकेगा। ग्लव्स वगैरह है, स्कूल जाने के टाइम पहनते हैं बच्चे लोग, सुबह के टाइम बहुत सर्दियां होती है ना, बहुत सर्दी लगती है तो इस तरह से पूरा पैक होके भेजना पड़ता है बच्चों लोग को, ग्लव्स भी पहना के और सब कुछ। जब धूप नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है जनवरी के मौसम में, तब इस तरह से पैक होके जाते हैं बच्चे लोग। तो ये देखिए एक बैग तो मेरा तैयार हो गया, अभी मैंने एक ही बच्चे का किया है अपने, और बाकी अभी सबका बाकी है, तो एक के बाद एक मैं कर लूँगी। एक का मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है कि इस तरह से मैं करती हूँ, और इस तरह का बैग सबके लिए अलग अलग बनवाया हुआ है सर्दियों के कपड़े रखने के लिए। अब मैं दूसरा रख रही हूँ, और यहाँ पे ये डोरमेट जो मैंने भिगोया था पानी में वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, तो ये देखिए धुल गया, तो इसको मैं बाहर खिड़की के बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी, जब ये सूख जाएंगे तो फिर वापस अपनी जगहों पे रख दूँगी। इसके बाद वो मेरा कालीन है जो सिंगल बेड का जो होता है, जो बिछाते हैं, जो मैट की तरह नहीं होता, जो जिसको उठाते हैं और बिछाते हैं, वो वाला कालीन सब है जो ऊपर रखा हुआ है छज्जे पे, तो उसको मेरे हस्बैंड ने उतारेंगे, वो काफ़ी ऊपर है, तो उसको तबा के फिर मैं वो धोऊंगी, उसके बाद मशीन को खाली चलाऊंगी, उसके बाद फिर से कपड़े धोना स्टार्ट करूंगी। पहले बिल्कुल मत कपड़े वगैरह डालिएगा बिना खाली चलाए, जब इस तरह के धूल मिट्टी वाले ज़्यादा गंदे चीज़ जब धोएं। और यहाँ पे मैं वो वॉलपेपर लगा रही हूँ, बताया था ना मैंने कि ये सिंक के पास मेरे वॉश बेसन के पास पपड़ी लग गया था, थोड़ा सीलन आ गया होगा, तो इसलिए उस सील सारी पपड़ी को झाड़ के अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैं ये लगा रही हूँ वॉलपेपर। मेरे पास ये वाला रखा हुआ था, मैंने मीशो से मंगवाया था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इतना बचा हुआ था तो मैंने ये लगा दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और पहले इतना गंदा लग रहा था वो पपड़ी, एकदम अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, और जहाँ जहाँ पर मुझे वो पपड़ी दिख रही थी ना वहाँ वहाँ पर लगा दिया। और ब्लैंकेट वगैरह भी निकलवा के हमने दे दिए हैं मशीन धोबी को धोने के लिए, पता लगा। जो मोटे वाले जो ब्लैंकेट होते हैं रजाई वाले। और यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं चोर सिपाही, बच्चों लोग के साथ सारा काम करने के बाद रात में मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी, और मेरा छोटा वाला बाबू सो रहा है, तो हम लोग फिर बैठे थे और मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, तो सोचा हम लोग खेल लेते हैं चोर सिपाही, क्योंकि मेरे बेटे का एक बड़े से छोटा बेटा है, उसका बहुत मन था कुछ खेलने का, तो फिर मैं तो बहुत थक गई थी, लेकिन तब भी बच्चे का मन रखने के लिए खेल ही लिया, क्योंकि बच्चे का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, वो बेचारा अभी अकेले बोर हो जाता है, अभी पढ़ाई वढ़ाई स्कूल वगैरह नहीं है तो बोर होता रहता है, तो मैंने सोचा चलो खेल ही लेते हैं दूसरे नंबर का।
तो इस तरह से बच्चों का टाइम भी पास हो जाता है और हमारा भी दिल लग जाता है, थोड़ा हंसी मजाक हल्ला गुल्ला हो जाता है। और उसके पापा, तो यही तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आऊँगी मैं एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट और या फिर कोई रेसिपी के साथ। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे, आप लोग कुछ ना कुछ सीखें मेरी वीडियो से, आपका यूँ ही टाइम वेस्ट नहीं हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।